पाकिस्तान के ननकाना साहिब में गुरुद्वारे पर हुए हमले के विरोध को लेकर जहां देश प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं अब बिजनौर में भी हमले के विरोध को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हमले के विरोध को लेकर बिजनौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं, सिख समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूका। साथ ही सिख कमेटी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी एसटीएम सदर को सौंपा। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा नई बस्ती रेलवे स्टेशन रोड के बैनर तले बिजनौर समाज की सारी सिख संगत और हिंदू समाज के लोग शुक्रवार के दिन जो पाकिस्तान में श्री ननकाना साहिब पर कुछ मुसलमानों ने मिलकर पथराव किया, उसके बाद उन्होंने सिख लोगों के और हिंदू लोगों के घरों में जा जाकर धमकाया। उनसे यह कहा गया कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो या पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ। उसके अगले दिन पेशावर में एक सिख युवक की हत्या कर दी गई। इस विषय में आज सारी दुनिया का सिख समाज बहुत गुस्से में है, क्योंकि श्री ननकाना साहिब सिख समाज का एक पूजनीय स्थान है। इस विरोध प्रदर्शन में आज एसडीएम साहब को नई बस्ती गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में राष्ट्रपति जी के नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है। उनसे यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोग सिख समाज के और हिंदू समाज के रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा कराई जाए और इमरान खान को यह निर्देश दिया जाए कि आगे से किसी भी अल्पसंख्यक की इस तरह से उसको धमकियां ना दी जाए और वो अपने आप को वहां असुरक्षित ना समझे। उधर मामले को लेकर बिजनौर में अधिवक्ताओं ने जजी परिसर में बैठक कर पाकिस्तान में सिख समाज के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने पर चिंता व्यक्त की। उसके बाद अधिवक्ता जजी के बाहर पहुंचे और पाकिस्तान का पुतला फूका। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट।